वहीं देश में वायरस के लगातार फैल रहे संक्रमण के बीच में लॉकडाउन थर्ड फिलहाल जारी है। ऐसे में लॉकडाउन में कुछ आवश्यक कार्य के लिए छूट भी दी गई। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच में एक जिले से दूसरे जिले में आवश्यक कार्य के लिए लोग जा सकते हैं। इसको लेकर कोटा में शहर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने प्रेस वार्ता करके शहर की जनता से लॉकडाउन की पालना करवाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो भी रियायतें दी गई हैं, उसका कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा जन सुविधा को देखते हुए प्रातः 7 बजे से लेकर के सायं 7 बजे तक अनुमत श्रेणी एवं आवश्यक कार्य हेतु आवागमन को पास से मुक्त किया गया है। इस संदर्भ में आम जन की ये जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि वो राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों की स्वयं पालना करें एवं समाज को कोरोना से संक्रमण मुक्त रखें। कोटा शहर पुलिस आम जन से यह अपील करती है कि केवल आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा यदि किसी कार्य हेतु, व्यापारिक प्रतिष्ठान हेतु अथवा नौकरी हेतु एक जिले से दूसरे जिले में जाना होता है तो यथासंभव जिस जिले में जा रहे हैं उसी जगह पर रहें। प्रतिदिन यथासंभव आवागमन न करें।